गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रियंका एंड इन दिस वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्ने रूटीन। यू गाइस नो कि मेरे को अभी 10 दिन पहले कितने सारे एक्ने हो गए थे, पिक्चर में यहाँ इंसर्ट कर दूँगी भी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा रेड कलर के। और उसको मैं क्योर करी थी 10 डेज से लास्ट, और मुझे लगा जब उसका रिजल्ट मुझे मिलने लगेगा तब मैं ये वीडियो शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्लियर योर एक्ने विद इन 10 डेज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है अपने बालों को बहुत अच्छे से सिक्योर, जिससे आपके बाल आपके हेयर लाइन पर ना आए और जिससे आप बहुत अच्छे से डीप क्लींस कर सको। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें करना है डबल क्लींस हमारे फेस को, बिकॉज क्लींजिंग इज़ द की। अगर आप डीप क्लींस नहीं करोगे अपने फेस को तो डर्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा और पोर्स को क्लॉक कर देगा, वो सबसे मेन रीज़न है एक्नेस होने का। तो हम डबल मेथड में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल गार्नियर माइसलर वाटर, जो कि आप वर्ल्ड वाइड जानते हैं नंबर वन बहुत अच्छा माइसलर वाटर है। अब बायोडर्मा ट्राई कर सकते हो, आई हैव बायोडर्मा बट फिर भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो इसको एक नॉर्मल टिश्यू पे आपको लेना है, वैसे मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया, दैट्स वाई ये खाली जैसे इसमें जितने भी दिख रहे डॉट, सोचो यू कैन सी कितनी सारे डॉट हैं इसमें। और अगर मेकअप होता तो बहुत सारी चीज़ें होती, तो हमारे फेस पर बहुत सारा डॉट एक साथ एक दिन में हो जाता है जमा, जिसको हमें करना बहुत अच्छे से क्लीन अप। तो इसको मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एंड देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। आप यू कैन यूज़ ऑल्सो क्लींजिंग मिल्क और रॉ मिल्क, जो भी आपके पास क्लेंजर हो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट्स ट्राई करो जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आपके साथ। तो चलते हैं स्टेप टू पे। तो नेक्स्ट हमें लेना है क्लेंजर, बहुत अच्छा फेस वॉश ऐसा यूज़ करो जिसमें आपको नीम इन्फ्यूज्ड मिले, बिकॉज नीम इन्फ्यूज वाले यू गाइस नो कि नीम में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आप एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर मेंशनड है कि ये नीम है, बट इसमें टर्मरिक भी है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया बट इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में यहाँ दिया हुआ है। तो इसे मैं, क्योंकि इसे ये सोप फ्री है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को क्लीन अप करने के लिए, तो मैं इसके पम्प्स, तो मैं यहाँ इसके दो पम्प्स लूँगी और इसको वाटर के हेल्प से बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी अपने। तो इसको हम लोगों को कम से कम 1 मिनट तक बहुत अच्छे से इससे मसाज करना है, सारी इम्प्योरिटीज़ और डर्टी हमारे पोर्स से क्लीन अप कर दे। उसके बाद हमें इसको ठंडे पानी की हेल्प से धो लेना है एंड अच्छे से वॉश करने के बाद आपको अपना फेस को करना है पैट ड्राई। कभी भी रब ना करें बिकॉज एक्ने के बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं। यू कैन सी कि कितना ज़्यादा मेरा फेस ब्राइट एंड अप लगने लगा है और काफ़ी ग्लोइंग लगने लगा है खाली फेस वॉश और क्लेंस करने से। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, जो कि है हमारा फेस पैक। हम स्क्रबिंग नहीं करें बिकॉज एक्नेस, जब भी एक्टिव एक्नेस होते हैं आपके फेस पर, आप कभी भी स्क्रब ना करें क्योंकि वो इन्फेक्शन को और फैला देगा चेहरे पर। तो मेक श्योर आप स्क्रब ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा अगर डेड स्किन सेल्स आपको लग रही है, तो अगर आपको छोटे छोटे एक्नेस हैं, छोटे छोटे बम्स हैं, तो आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँ क्योंकि मैं कर नहीं रही थी स्क्रब्स। तो मैं ये फेस पैक ले रही हूँ जो कि इन्फ्यूज है टी ट्री एंड नीम के साथ। सारे प्रोडक्ट्स में इसमें मोस्टली टी ट्री एंड नीम वाले ही ट्राई करूँ, जो कि सब एक्नेस के लिए बहुत अच्छे हैं। सो गाइज ये हमारा बहुत अच्छे से लग गया है, अब इसको हमें रखना है सेमी ड्राई होने तक। तो वेट करते हैं जब तक ये आधा तरह से सूख ना जाए। सो एज यू कैन सी ये सेमी ड्राई हो गया, फिर से ड्राई नहीं हुआ, इसको हमें करना है ठंडे पानी से वॉश, फिर मैं आपसे मिल। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोनर। टोनर के लिए मेरे पास है दो ऑप्शंस, देखते हैं क्या क्या दो ऑप्शंस हैं। एक मेरा DIY वाला टोनर और कि एरम का टोनर है। सो इन दोनों ऑप्शंस में मैं चूज़ कर रही हूँ DIY वाला एप्पल साइडर विनेगर का टोनर, बिकॉज आई लव दिस टोनर और इसको मैंने बनाया। पूरा रेसिपी आपको मिल जाएगा आई बटन पे, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अगर आप चाहो इसको बनाना। तो सो
सो इस टोनर का की इंग्रेडिएंट है ACV, जो कि ACV आप जानते हो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए, पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड थोड़ा सा ये इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको नहीं आप इसको यूज़ कर सकते तो डेफिनेटली आप ना यूज़ करो, आप कोई भी टोनर यूज़ कर लो जिससे आपके पोर्स को बहुत अच्छे से आप फिलअप कर सको। एंड ये टोनर बहुत अच्छा क्योंकि ये हमारे फेस के pH को बैलेंस करता है, तो जो भी हमारे एक्ने की प्रॉब्लम, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एक ग्लास पानी, गर्म पानी से ज़रूर एक चम्मच पिए। अगर आपको बहुत हैवी एक्ने तो उससे भी इंटरनल भी बहुत अच्छे से ये क्लीन अप करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपके एक्ने बहुत जल्दी हो जाएंगे ही। तो अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, यू कैन सी कि मेरे फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, जो कि हमें बनाना है एक मॉइस्चराइज़र जो कि है होममेड, जो कि एक्ने के लिए है बहुत अच्छा। तो आगे देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल, और आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, होममेड भी यूज़ कर सकते हो, इट अप टू यू। और हमें 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जिसके हमें डालनी है 3 drops। इसे हमें इवनली मिक्स करना जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। सो हमारा मॉइस्चराइजर बनकर है रेडी, अभी हमें करना है इसे अप्लाई। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टी ट्री एसेंशियल ऑयल तो आपके पास होना चाहिए, डेफिनेटली मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बताऊँगी कि ये होना ही चाहिए। रीज़न इसका ये बिकॉज एक्ने के लिए टी ट्री से अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता, मैं यही कहूँगी। दो ही चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करना चाहिए आपको, एक टी ट्री और एक एप्पल साइडर विनेगर अपने डेली लाइफ में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे को हमें लगाना है, क्योंकि लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें लगाना है जिससे हमारी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। लास्ट हमें लेना है हमारे एक्ने स्पॉट्स को रिकवर करने, बिकॉज यू कैन सी कि बहुत थोड़े थोड़े स्पॉट्स बच गए मेरे फेस पर, उसको भी हमें करना है बहुत अच्छे से क्योर। तो हमें यहाँ पर करना है स्पॉट ट्रीटमेंट। स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आगे देखते हैं। सो ये रिक्विल का पिट स्टॉप जेल है, रिक्विल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास, पूरे प्रोडक्ट्स की रेंज है। इफ़ यू वांट टू सी तो मैं पूरा रिव्यू शेयर करूँगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये स्पेशली है कि आपके एक्ने के स्पॉट्स जहाँ, इसको मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, बहुत थोड़ा सा बचा है, तो एक्ने के स्पॉट्स जहाँ हमें वहाँ पर लगाना है। सो गाइस, यू कैन सी द ग्लो एंड यू कैन सी द मेरी फेस कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर, क्योंकि मैंने कोई भी हैवी मॉइस्चराइजर यहाँ पर यूज़ किया नहीं, बस एक DIY मॉइस्चराइजर यूज़ किया और सारी चीज़ें यूज़ की जो कि मैं अपने एक्ने को क्योर करने के लिए कर रही थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही है, रात का टाइम शूट कर रही है, दैट्स द ओनली रीज़न कि इसको रात भर हम रख सकते हैं, हमारी स्किन रिपेयर होती है रात को ही और हमारे सोने के 1.5 घंटे बाद से रिपेयर होना शुरू होती है। तो बेस्ट टाइम है कि आप अपना स्किन केयर या कोई भी ऐसा रूटीन फॉलो करो जो कि आप नाइट में फॉलो कर सको। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मैं प्रियंका, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, टेक केयर, बाय।